टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना पुलिस पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और महिला सहित पुरुषों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया को कार्रवाई किए जाने के लिए आवेदन दिया है। मामला पलेरा का है, जहां पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि 9 फरवरी को पलेरा थाना प्रभारी अपने पुलिस स्टाफ सहित पीड़ित के घर आए और गालियां देते हुए डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कल्लूबाई को शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। पुलिस भगवंत और पवन को अपने साथ थाने ले गई और वहां भी पिटाई की गई और धारा 74/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया और एमएलसी फर्जी तैयार करा दी गई। एमएलसी में कहीं चोट के निशान नहीं है। पीड़ित शख्स ने मामले की जांच किसी अन्य थाना प्रभारी से कराने और पुनः एमएलसी कराने को लेकर एसडीओपी को आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। मनोज यादव हमारे पैरों पे चढ़ गए थे। अच्छा। और को चल दिए और गाली दी गंदी। अच्छा। हमारी किसी से कोई बुराई नहीं, ना कुछ, ना मेरे खिलाफ कोई केस, लेकिन वैसे ही आके बोलने लगे जाति सूचक शब्दों से। बोले साले तुम लोग दोनों सरकारी आरक्षण पा के नौकरी कर रहे हो और लाखों रुपए कमा रहे हो, तू ड्राइवर है 1 लाख रुपए वेतन पाता है, साले तुम दोनों की नौकरी छीन के रहेंगे, उन्हें तुम लोगों को ऐसे केस में फंसाएंगे और कानपुर का विकास दुबे बना के एनकाउंटर करना है तुम दोनों भाइयों का, इसलिए हम आए हैं। पूरे घर को नष्ट कर दिया साहब, घर का हम लोगों के मोबाइल रख लिए, पूरा घर तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, मकान लोहे के दरवाजे साहब, बड़ा दुर्मट लोहे का लेके और दरवाजे में दे, टीवी तोड़ दी, पूरा फर्नीचर सत्यानाश कर दिया, मोबाइल लेके, मोटरसाइकिल बाहर थी वो उठा ली और जो पैसे रखे थे, सामान रखा था घर में हमारी भाभी के ज्वेलरी वगैरह सब लेके चले गए और हम लोगों के खिलाफ ही केस कर दिया और थाने में ले जाके हिरासत में फिर रात भर पिटाई की।